हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल 49,568 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2018 का न्यू नोटिफिकेशन आया है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी एससी एसटी 400 ऑल कैटेगरी के लिए। आपका ये नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ हुआ था। न्यू नोटिफिकेशन 16 नवंबर 2018 को रिलीज़ हुआ है। एप्लीकेशन आपके 19 नवंबर 2018 से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट फॉर अप्लाई 8 दिसंबर 2018। एग्ज़ाम डेट जो है 4 और 5 जनवरी 2019। टोटल पोस्ट 49,568 पोस्ट हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस 31,360, कांस्टेबल इन रिजर्व टेरिटोरियल आर्म 18,208, एज लिमिट 18 से 22, मेल के लिए, फीमेल के लिए 18 से 25, एज ऑन 1 जुलाई 2018। एलिजिबिलिटी 10+2, पास्ट इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। कैटेगरी वाइज वैकेंसी जनरल ओबीसी एससी एसटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी हाइट मेल जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 से 84 सेंटीमीटर, रनिंग 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। मेल एसटी 160 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर। फीमेल जनरल ओबीसी एससी 152 सेंटीमीटर। फीमेल एसटी 147 सेंटीमीटर हाइट, रनिंग 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट, 14 मिनट में 2.4 2400 मीटर। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिटन एग्ज़ाम, डीवी एग्ज़ाम एंड पीईटी पीएसटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एग्ज़ाम। अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट ऑन 19 नवंबर 2018। डाउनलोड नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या है वो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। वैकेंसी डिटेल्स, आरक्षित नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु तो पुलिस एवं पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सेनानियों के आश्रितों के लिए 2% भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, होमगार्ड्स के लिए 5% तथा आरक्षी नागरिक पुलिस में महिलाओं के लिए 20% का 36 आरक्षण भर्ती के समय पूर्ववत उत्तर प्रदेश शासन की कार्मिक विभाग के शासनादेशों के आलोक में सुनिश्चित किया जाएगा। आवेदन प्रारंभ की तिथि 19 नवंबर, आवेदन शुल्क 400 रुपीज़, शैक्षणिक योग्यता ऐसे भूतपूर्व सैनिक की शैक्षिक अर्हता स्नातक मानी जाएंगी जो मैट्रिकुलेट हो तथा इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन या नौसेना या वायुसेना में समकक्षीय सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो तथा संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता
अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। पेशित साक्षी का अर्थ हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपियर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं न होंगे। डोएक एनाइलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त अधिमान्य अर्थ है कि कोई एक अंक नहीं होंगे किंतु दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में प्रस्तर 4.4 में अभ्यर्थी में अंतिम चयन सूची में अधिमान नीचे दिए गए क्रम में प्रदान किया जाएगा। डोए क्या नलाइट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ये उस समय लागू होगा जब आपके साथ में किसी और का भी सेम मार्क्स है। तो आपके पास अगर इनमें से कोई सर्टिफिकेट है तो आपको अर्हता दी जाएगी, आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। पुलिस अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1996 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बीच का नहीं होना चाहिए, के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी 1 जुलाई 2018 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1993 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। आयु सीमा में छूट रिलैक्सेशन। वैवाहिक परिस्थिति। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, परंतु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है। विशेष कारण की परिस्थिति में ही आपको ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न बात। महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर। इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है वो ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी के पास यथा लागू निम्नलिखित अभिलेख होने आवश्यक हैं। योग्यता 10वीं एवं 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण अंक प्रमाण पत्र सहित अधिमान्य अर्हता संबंधी डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का प्रमाण पत्र या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का भी प्रमाण पत्र, आरक्षण के लिए
आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी अभिलेख यदि लागू हों। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, मूल निवास प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप एक पर 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का 1 अप्रैल 2018 के बाद का, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 2 पर इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व निर्गत होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 3 पर निर्गत होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, यूनिट के कमांडेंट द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट, इंडियन स्पेशल आर्मी सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, फोटो का साइज 5 KB से अधिक व 80 KB से कम होना चाहिए। अभ्यर्थी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा व 1.5 सेंटीमीटर लंबे कागज के टुकड़े पर काली स्याही से संपूर्ण हस्ताक्षर बनाकर 5 KB से अधिक तथा 80 KB से कम होना चाहिए। रंगीन फोटो का आकार फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम और रंगीन फोटो और हस्ताक्षर। रंगीन फोटो का आकार 35 mm 1.54 इंच गुना 45 मिलीमीटर 1.75 इंच का होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो।